बब्बर शेर, टाइगर, जो इतनी गर्मी में शिकार करने निकले हैं। भाई और बहनों, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन और ये संविधान, और दूसरी तरफ वो लोग जो इस संविधान को रद्द करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं। बीजेपी के नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी हम संविधान को खत्म कर देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, आपकी सरकार नहीं आएगी। भाई और बहनों, ये देखिए, ये अंबेडकर जी की फोटो है, इसको अच्छी तरह देखिए। और ये जो अंबेडकर जी ने किया, ये जो बाबा साहब ने किया, ये है। ये संविधान बनाने के लिए अंबेडकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, ये आप भूलिए मत, ये आप भूलिए मत। मैंने अंबेडकर जी की किताबें पढ़ी हैं, उसमें उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ आजादी से पहले कैसा बर्ताव हुआ करता था। उन्होंने कहा कि जब वो छोटे थे, बच्चे थे, बैलगाड़ी पे गए और उनको पूरे रास्ते पानी नहीं पीने दिया गया था। भाई और बहनों, 3000 साल के लिए इस देश में, इस धरती में दलितों पर अत्याचार हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में दलितों को इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी है। और आज बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम अंबेडकर जी के काम को, उनके सपने को फाड़ के फेंक देंगे। भाई और बहनों, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को, नेहरू जी के संविधान को कोई शक्ति फाड़ नहीं सकती है। मैं हिंदुस्तान के सब लोगों से कहना चाहता हूं कि संविधान को इंडिया गठबंधन दिल से, जान से, खून से रक्षा करने का काम करेगा। हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। मर जाएंगे, कट जाएंगे, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को हम नहीं छूने देंगे, इसको नहीं बदलने देंगे। भाइयों और बहनों, संविधान ने सिर्फ दलितों की रक्षा नहीं की। रिजर्वेशन मिला, दलितों को रिजर्वेशन मिला, पिछड़ों को रिजर्वेशन मिला, आदिवासियों को रिजर्वेशन मिला, तो इस किताब ने रिजर्वेशन दिया। अब बीजेपी कहती है कि पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, रिजर्वेशन को वो खत्म करना चाहते हैं। दूसरा मैसेज मैं देना चाहता हूं, रिजर्वेशन को खत्म नहीं कर पाओगे, उल्टा उल्टा हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ा के ले जाएंगे। आज रिजर्वेशन को 50% की लिमिट पे रखा हुआ है। इंडिया गठबंधन ने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, हमारी सरकार आएगी ये 50% लिमिट को हम हटा देंगे और रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ा देंगे। और जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है,
चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, हमने ये काम करके दिखाया है और पूरे हिंदुस्तान में हम ये काम करके दिखा देंगे। भाइयों और बहनों, यहां हजारों युवा आए हैं। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी ने सेना के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। उनको पेंशन देने के बजाय, शहीद का दर्जा देने के बजाय, कैंटीन देने के बजाय, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के युवाओं को कहा है कि अगर आप गरीब घर के बेटे हो और आप सेना में जाते हो तो आपको ना पेंशन मिलेगी ना कैंटीन मिलेगी, और अगर शहीद होते हो तो तुम्हें शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। और अमीर घर के बेटे उसे कहते हैं कि अगर आप अमीर हो तो आपको पेंशन मिलेगी, आपको शहीद का दर्जा मिलेगा, आपको कैंटीन मिलेगी, आपके परिवार की रक्षा होगी। अग्निवीर योजना के हम खिलाफ हैं। मैं हिंदुस्तान के युवाओं को कहना चाहता हूं, अग्निवीर योजना को इंडिया सरकार फाड़ के कूड़ेदान में फेंकने वाली है। ये सेना का स्कीम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का स्कीम है, ये पीएम ऑफिस का स्कीम है, और इससे सेना का, देशभक्तों का, जवानों का अपमान किया जा रहा है, इसीलिए हम इस स्कीम को रद्द करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे आजकल, वो चमचे वाले जिसमें चार 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 पांच चमचे बैठते हैं और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते, वो देखे आपने? अखिलेश जी से इंटरव्यू करते हैं तो उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो, मोदी जी आप आम छील के खाते हो या काट के खाते हो, मोदी जी आम खाने से पहले आप उसको धोते हो, और मोदी जी जवाब देते हैं, ओ चमचो, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करता है, सब कुछ अपने आप होता है, नरेंद्र मोदी को धरती पे परमात्मा ने भेजा है, बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं, माता पिता से पैदा हुए हैं, नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है, नरेंद्र मोदी जी ऊपर से टपक के आए हैं, उनको परमात्मा ने हिंदुस्तान भेजा है परमात्मा का काम करने के लिए। मजे की बात यह है कि परमात्मा ने उनको अदानी जी की मदद करने के लिए भेजा है, अंबानी जी की मदद करने के लिए भेजा है, मगर परमात्मा ने उन्हें किसान को मदद करने के लिए नहीं भेजा, मजदूर को मदद करने के लिए नहीं भेजा, जाति जनगणना करवाने के लिए नहीं भेजा। अजीब सी बात है भाइयों और बहनों, अगर सचमुच में परमात्मा ने भेजा होता तो परमात्मा कहते कि हिंदुस्तान के सबसे कमजोर लोगों की मदद करो, किसानों की मदद करो, मजदूरों की मदद करो, गरीबों की मदद करो। नरेंद्र मोदी जी के परमात्मा ने उन्हें कहा, नरेंद्र मोदी जी अदानी की मदद करो, हिंदुस्तान के सारे के सारे एयरपोर्ट अदानी को दे दो, हिंदुस्तान के पावर प्लांट्स को अदानी को दे दो, रेलवे अदानी को दे दो, 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करो अदानी अंबानी का। ये कैसे परमात्मा है? ये नरेंद्र मोदी जी वाले परमात्मा है। भाइयों और बहनों, परमात्मा की बात हो रही है तो आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा? राम मंदिर के इनॉग्रेशन में हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जो आदिवासी हैं, उन्हें कहा जाता है तुम्हें नहीं आना है, तुम्हारा चेहरा नहीं दिखना चाहिए। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं था,
एक दलित नहीं था, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, अंबानी अदानी की लिस्ट लगी हुई थी वहां पर। तो जो भी ये करते हैं अदानी अंबानी के लिए करते हैं। अब हमें काम करना है, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। मैं आपको सिर्फ आज दो चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले भाइयों और बहनों, 4 जून इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हिंदुस्तान के गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, करोड़ों लोगों के नाम उस लिस्ट में होंगे, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा, करोड़ों महिलाओं के नाम एक लिस्ट में लगेंगे। उसके बाद 5 जुलाई कटाकट 5 जुलाई, 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मीडिया वाले लोग कहेंगे देखो देखो इंडिया गठबंधन गरीबों की आदत बिगाड़ रहा है। हम उनसे कहेंगे ज्यादा बोला तो दुगना कर देंगे। आप लोग अंबानी के हो, अदानी के हो, आप अपना काम करो, आप उनकी शादी दिखाओ, हम अपना काम करेंगे। हमारा काम गरीबों के बैंक अकाउंट में, किसानों के बैंक अकाउंट में, महिलाओं के बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान का धन डालने का है। हम उस काम को पूरा करेंगे। भाई और बहनों, किसानों का कर्जा माफ होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानूनी मिलेगी, मनरेगा में आज 250 रुपए मिलते हैं, 400 रुपए मिलेंगे, और आशा और आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं, जितनी भी उनकी आज आमदनी है उसको हम डबल कर देंगे। आखिरी बात, नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी फैलाई, उत्तर प्रदेश के युवाओं को चोट पहुंचाई। आपसे कहा युवाओं नाली के ओर जाओ, नाली में पाइप डालो, नाली में से गैस निकलेगी, पाइप को चूल्हे में लगाओ और पकोड़े बनाओ। और उसके बाद कहते हैं परमात्मा ने कहा है कि मैं हिंदुस्तान के युवाओं को नाली के गैस से पकोड़े पकाना सिखाऊं। आपको बेरोजगार बनाया, 30 लाख सरकारी नौकरियां इंडिया गठबंधन के आते ही आपके हवाले कर देंगे। बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में, गर्मी है काफी, बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में, बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1,00,000 रुपए, कटाकट कटाकट कटाकट, पहली नौकरी पक्की स्कीम में। भाई और बहनों, ये जो हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं इसके पीछे सोच है। नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपति बनाए, उन्होंने पैसा इंग्लैंड भेजा, अमेरिका भेजा, जापान भेजा, दुबई भेजा। हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं, आप इस पैसे को गांव में, शहरों में, कस्बों में खर्चोगे, आप स्कूटर खरीदोगे, मोटरसाइकिल खरीदोगे, आप घड़ी खरीदोगे, मोबाइल फोन खरीदोगे, शर्ट पैंट खरीदोगे। जैसे ही आप ये चीजें खरीदोगे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी और उन्हीं फैक्ट्रियों में हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाला जाता है उसके बाद चाबी घुमाई जाती है, वैसे हम आपके फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाल रहे हैं, धन डाल रहे हैं, उसके बाद चाबी घुमाएंगे, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी, आपको रोजगार मिलेगा। मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। किस बात का धन्यवाद कि इस चुनाव में ये जो दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, जो हाथ का निशान है और जो साइकिल का चिन्ह है, ये दोनों एक साथ मिल गए हैं, साइकिल को हाथ के पंजे ने पकड़ लिया है और ये दोनों एक हो गए। हमारे कार्यकर्ता दोनों
मैंने अपनी आंखों से देखा है कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल लगा के समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे दिल से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट्स का पूरा समर्थन कर रहे हैं। भाई और बहनों जीत निश्चित है, यहां पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक, और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। तो दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। इसको बचाना है भाई और बहनों, अंबेडकर जी का संविधान है, अंबेडकर जी का संविधान है। ये हथियार अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने हिंदुस्तान के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, कमजोर लोगों को दिया, इसकी रक्षा करनी है, जान से रक्षा करनी है, पूरे दम से रक्षा करनी है। दिल से आपका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।